हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रवि, मैं कनिका। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। तो गाइस, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। आज कौन सा दिन है मिस्टी? आज है ट्यूसडे। आज मंगलवार है और आज नवरात्रि का शायद तीसरा दिन है, है ना। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है तो अभी मिस्टी नहाई नहीं है, मैं भी नहीं नहाया। बाकी मतलब सफाई वगैरह चल रही थी घर के अंदर, बाकी सभी लोग रेडी हो चुके हैं नहा के। नीशू, सालू, अंजलि सबने नहा लिया, मम्मी ने भी नहा लिया, कार्तिक भी नहा चुका है। वहाँ पे कार्तिक दिख रहा होगा आपको। गुड्डू जी को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। अभी सुबह के 4 बज रहे एग्जैक्ट और अभी ये निकल रहे रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि इन्हें जाना है वापस केरला, है ना। नीशू को छोड़ने आए थे, अब जा रहे हैं। छठ में आओगे ना आप? छठ पूजा में आओगे? तो इन्हें अभी फ़िलहाल ऑटो वाले अंकल से बोल दिया है मैंने, वो ऑटो स्टार्ट कर रहे हैं अपना। चलो मिलते हैं आपसे, मिलेंगे आपसे फिर जल्दी। छोड़ देना अच्छे से, ठीक है भैया। हाँ, निज़ामुद्दीन छोड़ देना। तो मैंने अभी गुड्डू जी को छोड़ दिया और वो चले गए। उनका ट्रेन था सुबह सुबह का, ट्रेन लगभग 5:40 का था, बट 4 बजे ही ऑटो वाले को हमने बोल दिया था, जो हमेशा हमें लेके जाते हैं उनको बोला, उनको मैंने बोल दिया था कि अंकल सुबह 4 बजे आप आ जाना, क्योंकि एक रेलवे स्टेशन जाना है निज़ामुद्दीन। ये पूजा वूजा करके आ गई है अंजलि, एक बार सभी बोल दो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय शेरावाली, जय शेरावाली। अंदर की भावना जग गई हमारी वैष्णो देवी जाने का, है ना। जाएंगे वैष्णो देवी भी, हमारे पास अभी बहुत सारा जगह जाना है हमको। नेक्स्ट मंथ में नवंबर में कार्तिक का मुंडन भी होने वाला है। कार्तिक के बेचारे के बाल कट जाएंगे, देखो कार्तिक बहुत अपने स्टैंड मारता है बाल से। नवंबर में इसका मुंडन करवा देंगे, क्योंकि ये 2.5 साल का। हम लोग कब करवाते हैं मिस्टी? 2.5 साल में ना करवाते ना? 2.5 साल और 5 साल में होता है हम लोगों में। पाँच साल में और लंबे हो जाएंगे, और स्कूल में भी डालना है हमें इसको। अभी मिस्टी 3 साल का होगा तो स्कूल में भी डालना है इसको। साल हमको स्कूल में भी डालना है, क्योंकि अब ये बोलता है तो हम लोग। पता है आपको गाइस, कार्तिक को ना 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग याद हो चुका है पूरा एकदम। वो सुना देते एकदम मस्त। एबीसीडी में भी कुछ-कुछ अल्फाबेट बोलता है ये। हां, एबीसीडी बोल रहा है कार्तिक। रुको, मैं एक बार ट्राई करता हूं बोल के, है ना। कार्तिक, कार्तिक 1, कार्तिक 1, 1, 2 बोलो। कैमरा सामने नहीं बोलता, नहीं बोलेगा, बोलेगा कार्तिक 1 1 2 बोलो 1। अरे 1 2 3 बोल रहे, 3 बोल तो क्या बोल रहे। 1 कार्तिक 1 बोलो, 1 1 बोलो, ये बोलता है 1 पहले बोलो 1। हमें तो अभी वैष्णो देवी जाना है, केदारनाथ जाना है, खाटू श्याम जाना है। कहाँ कहाँ जाना है तुमको? वैसे इसने जो जो जगह बोली है वो सभी जगह पे जाना है। सबसे पहले तो अगले महीने हमको जाना है, नहीं हाँ। सबसे पहले कार्तिक के मुंडन के लिए जाएंगे हम, वृंदावन हाँ, जाएंगे तो, क्योंकि मम्मी ने बोला वहीं पे इसका जो है मुंडन करवाएंगे। वैसे तो काफी लोग ऋषिकेश में भी करवाते हैं, वो जो नदी किनारे गंगा किनारे बैठ के ऋषिकेश हरिद्वार पर। हम लोग ने सोचा कि यही करवाएंगे वृंदावन, वहां पे घूम भी लेंगे हम, यमुना घाट पे करवा लेंगे, है ना। और वहां पे घूम भी लेंगे थोड़ा सा। मैं और मिस्टी तो आपको पता ही है गए हुए थे, क्योंकि मुंडन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ पूजा वगैरह होता है ना, फिर उसके बाद मुंडन वाला रीति रिवाज शुरू होता है। अभी मिस्टी ने फेस पे एलोवेरा जेल लगाया है, इसलिए फेस ना चमक रहा है थोड़ा सा, ग्लो कर रहा है। तो अभी फेस जब धोलेगी तो अच्छे से, ये बाल वगैरह भी सब बिखरे हुए, क्योंकि अभी बहुत सारा काम वाम किया, अभी रेडी नहीं हुई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय 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 जय। ए टीका लग गया कार्तिक को। ए ए मिटकार, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, इधर करो। ठीक बात ना, ठीक बात, ठीक बात, जय माता दी। वो रुकवे ना करी, जय माता दी, जय माता दी। तो ना अभी बाद में ये भी टीका लगा चुकी है, देखो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय। वो पता है रात को जो हमने वीडियो डाला था, रिप्लाई वीडियो, उसमें काफी लोग सपोर्ट कर रहे, इतने सारे लोगों ने कमेंट किया ना, बोला कि जो कपड़े पे कमेंट करते हैं
वो लोग बेकार है, उनके पास भैया उनकी बात मत सुनाइए, और आप जैसा भाई हर किसी को नहीं मिलता, ऐसा कमेंट तो बहुत आया है, ये वाला कमेंट तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है सालों के, मतलब थोड़ा सा लगता है कि वो किसने लिखा था कि ये स्मार्ट बनती है, तो किसी ने उसको नीचे रिप्लाई किया था स्मार्ट तो जरूरी है बनना, बेवकूफ बन के थोड़ी रहेगी, स्मार्ट बन के रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगी भाई, आज के जनरेशन में स्मार्ट बनना जरूरी है, जरूरी है। या अभी को जय माँ वैष्णो देवी, जय शेरावाली माता का, जय माता दी। और नहा चुके हैं अभी हम, अब तो हमारे अब सबने नहा लिया, मिस्टी भी नहा चुके, सबने नहा लिया, तो अच्छा लग रहा है काफ़ी नहा के, लेकिन पानी बहुत ठंडा था कुछ दिन से, एकदम अचानक से ठंडी बढ़ी जो बढ़ी है ना अचानक, बहुत असर पड़ रहा है उसका, कहीं आसपास में बारिश वारिश हुई है, बर्फबारी हुई है कहीं पे, तभी यहाँ पे ठंडी बढ़ी है। अभी हम सभी लोग बैठ के देख रहे थे नन टू, जो कि आ चुकी है हिंदी में, विजय, सालू, अंजलि और मिस्टी, और वहाँ बैठे नीशू सोफे पर मस्त, तो अभी मूवी देख रहे हैं, मूवी खत्म हो जाएगी बताएंगे कैसा मूवी है। Two hours later. गुड इवनिंग, और हमने द नन मूवी देख ली, हम देख भी चुके और ये लोग सब एक नींद सो भी चुके दोनों, मैं तो सोया नहीं कि मैं फोन चला रहा था, और मूवी कैसा लगा? अच्छा था बट उतना ज्यादा ड्रामा नहीं था, मतलब ठीक ठाक था, पहले वाला जो नन पार्ट था वो ज्यादा अच्छा लगा था मेरे को, ये तो ऐसा ही जंप स्केयर वगैरह है लेकिन कहानी में इतना कुछ दम नहीं है, है ना? एक बार तो इतना तेज साउंड आया उसको मैं डर गई था। अभी मौसम भी आज का इतना अच्छा हो रहा है ना, ऊपर देख सकते हो पूरा बादल घेर के, मतलब बादल घिरा हुआ है ऊपर, और गुड्डू जी भी जा चुके हैं, तो नीशू बेचारी अकेले अकेले बैठी हुई, कैसा लग रहा है? कुछ लग रहा है, फील वील हो रहा है कुछ तो, है ना, याद आ रहा होगा, है ना, थोड़ा बहुत याद आता ही है, छठ पूजा में आ ही रहे वैसे भी तो, आ जाएंगे तो एक ही महीना है आने का, देख लो गुड्डू जी तुमको कितना मिस करती है, देखते व्लॉग देखते हैं वो हमारा, हर व्लॉग चलो व्लॉग देखते हैं, तो भाई हम भी मिस कर रहे हैं आपको, लास्ट नाइट याद है हमको जाने से पहले का। आते कहाँ चप्पल कहाँ भाई विजय, चप्पल कहाँ कर, चप्पल नीचे है, वो आओ इधर आओ, आ जाओ हाँ हाँ, कहाँ लगाया तुम ये रंग नहीं है, अलता लगाया, अलता लाओ जल्दी लाओ फटाफट, अब गाइस वीडियो एडिट करने का टाइम हो चुका है हमारा भी। हाँ भाई कैसे मौज आ रही है, कैसा लगा तेरे को? बस हाँ, तो कोई घर पे देख रहा है स्पीकर में ना, बस स्पीकर के पास ना बैठ के देखे, मतलब मूवी पूछ रहे थे, ऐसा ये नहीं पूछा कि स्पीकर के पास बैठे या ना बैठे, गजब बेइज्जती है। मूवी कैसा लगा तेरे को, कहानी कैसी लगी? और कहानी सही था, लगता नहीं है पार्ट थ्री बनेगा ऐसा लग रहा है ना, देखो गाइस प्रोफेशनल आदमी ने बोल दिया भाई पार्ट थ्री बनेगा, अब ये इससे बड़ा प्रोफेशनल रिव्यू मैंने आज तक नहीं देखा है, जो पार्ट टू में बस दिखाया चलते हुए, बट इतना नहीं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दिल्ली, क्या हाल है, कैसा लगा नन मूवी? अच्छा लगा, ये देखो इसका चालू हो गया, इसका चालू हो गया, वो ब्लॉग अच्छा लगा, वो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए ब्लॉग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। The doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled, it's so cold outside, I'm alone.